सही से धोने के साथ साथ आपको इनको इस मौसम में धूप में डालना होता है। लेकिन अभी क्या होता है, मानसून के समय धूप नहीं आती है, बारिश होती रहती है, तो आप इनको अच्छे से सुखाइए पहले पंखे की हवा में। उसके बाद आप इन पर जो प्रेस होती है उसको अच्छे से गर्म करके इसको अच्छे से हीट आप करिए, जिससे कि इसके जितने भी बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, वो खत्म हो जाए, मर जाए। पहले मैं आपको अब इसकी नेचुरल रेमेडी बता देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको करना क्या है, नीम के जो पत्ते होते हैं, नीम हमारे घर के आसपास कहीं पर भी मिल जाते हैं, गार्डन में मिल जाते हैं, उसके पत्ते आपको लाने, उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसको आपको गर्म पानी में कम से कम 5 मिनट के लिए उबालना है और फिर पानी को ठंडा कर लेना है। अब इस ठंडे पानी में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक बैठना है, मतलब अपने हिप्स के एरिया को अच्छे से इसमें डुबा कर आपको रखना है। टब आप ले लीजिए, उसके अंदर आप बैठिए, आपका हिप्स का एरिया अंदर पूरा डूबा रहना चाहिए। 15 से 20 मिनट आप बैठिए, उसके बाद इस पानी को आप फेंक दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको साफ पानी से भी इसको नहीं धोना है, इसी के ऊपर आपको लेप लगाना है मुल्तानी मिट्टी का। मुल्तानी मिट्टी आपको कहीं पर भी मिल जाती है मार्केट में। मुल्तानी मिट्टी पिंपल्स को या फोड़े फुंसी को दूर करने के लिए एक नेचुरल रामबाण इलाज होता है, नेचुरल तरीका होता है। मुल्तानी मिट्टी आप गला लीजिए पहले पानी में अच्छे से, उसके बाद इस लेप को आपको अपने हिप्स एरिया पर लगाना है और आपको 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देना है सूखने के लिए। उसके बाद आप पानी से वॉश कर लीजिए। ये दो तरीके आपको फॉलो करने हैं, आपका जो बट एकने का हिप्स पर जो पिंपल्स वगैरह हुए हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। काफ़ी नेचुरल तरीके हैं, पुराने टाइम पर दादी दादा लोग इनको ज़रूर फॉलो किया करते थे, क्योंकि उस समय तो हमारे पास और कोई तरीके नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। आप यहाँ पर डॉक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से दूर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी पुराना मेथड है जो मैंने आपको बताया है, जो नानी दादी के ज़माने का है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।